अभी मैं नहा धो के पूजा वूजा करके फ्लैट आया था प्रशांत के साथ, और मैं और प्रशांत अभी कुछ सामान लेने जा रहे थे और बाहर बारिश हो रही है, तो मेरे बगल में एक मोहतरमा बैठी है, तो क्या कहती है ये कि छाता ले जाओ। तो ये भी तो पता, बाइक पे जा हाँ मतलब तो बाइक पे जाएंगे, बाइक पे जा रहे थे और कह रहे छाता ले जाओ। तो बाइक धीरे भी चल सकती है, जरूरी नहीं कि तेज चलाए जैसे कि बारिश से बच जाए और पीछे वाला छाता पकड़ के बैठ जाए। बिल्कुल। अब बोलो, अब मैं सही हूँ कि कौन सही है? बाय द वे गाइस, आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज हम मोदक बनाएंगे। हमें भी कुछ सामान लेने जाना था पर अब नहीं जा पा रहे, पर ठीक है, जब रुकेगी तभी हम निकलेंगे। गाइज हम लोग को सामान भी लाए और साथ में हम लोग सूरज से भी मिल के आए हैं। बहुत अभी काफ़ी हद तक ठीक है वो, और रात को थोड़ी सी तबीयत उसकी थोड़ी सी नाजुक हुई थी पर अभी काफ़ी हद तक ठीक है। और एक और चीज़ जिसके बारे में हमें आपसे बात करनी थी, बहुत सारा प्यार आ रहा है सूरज के लिए, बहुत सारे लोगों ने प्रे भी किया है और शायद उसी की वजह से सूरज इतना जल्दी ठीक हुआ है। लेकिन कुछ लोग थोड़े से उसको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि सूरज की तबीयत ख़राब है, आप फिर भी व्लॉगिंग कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो सबसे पहली चीज़ गाइज, अभी भी जब हम उसके पास गए थे ना, तो वो इसी चीज़ के लिए वरिड था कि उसका जो 365 डेज और 365 व्लॉग्स वाला जो टारगेट है ना, वो कैसे भी मीट होना चाहिए। अब चाहे कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब इंसान नहीं कर पाता, जैसे तबीयत ही खराब है, हिम्मत नहीं है तो वीडियो नहीं बन सकता है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो रुक जाएगा। आप लोग हमारी फैमिली हो, जब अच्छा टाइम था तब भी आप हमारे साथ थे, अब जब हमारा थोड़ा लो पॉइंट है तब भी आप हमारे साथ हो, और हम चाहते हैं हर चीज़ हम आपसे शेयर करें, तो हमारा सुख दुख सब हमने आपसे शेयर किया है, तो ये टाइम में हम आपसे शेयर करना चाहते थे, इसलिए हम व्लॉग कर रहे हैं। और सूरज का जो मेन टारगेट है जैसे मैंने आपको बताया, वो हम चाहे वो बना पाए चाहे मैं ना बना पाऊँ, कुछ भी हो व्लॉग ज़रूर आएगा और हर रोज़ आएगा और आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ ये वाले जो कमेंट्स हैं इनको आप इग्नोर करो, और जो लिख रहे हैं वो भी प्लीज़ मत लिखे। इट्स अ टाइम जब हम लोग ऑलरेडी थोड़े से परेशान हैं और उनको पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज़ वो चीज़ ना करें। हम लोगों का खुद का मूड ऐसा रहता है कि व्लॉग नहीं करें। हाँ, हम लोगों ने होता है कि फिर वो हमको कहता है कि नहीं करो मेरा वो है, फिर हम लोग कहते हैं ठीक है चल तेरे लिए हम करते हैं। और नहीं कर, हम करेंगे भी, हम करेंगे भी, क्योंकि उस अब उसका है हमारी, उसका बस ये है कि कैसे भी इसका ये वाली चीज़ किसी भी हाल में पूरी हो कि 365 डेज 365 व्लॉग्स, तो ये हमें करना ही है नो मैटर व्हाट। और बस वो कमेंट्स देख के हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, हम लोगों ने खुद ने भी कोई काम नहीं किया है, किसी और चीज़ का कोई काम नहीं चल रहा है, सिर्फ दो दिन से तीन दिन से ये व्लॉग ही बन रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जब भी कैमरा बंद होता है हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स का क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, तो बस हमारे दिमाग में वही है। तो बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी। मैं ना मोदक बना रहे हैं आज हमारे गणपति बाबा के लिए, हम अलग से हम खुद लोग मोदक बना रहे हैं, देखते हैं बन पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, इस पर विश्वास है क्या? आपको मेरे पे विश्वास है ना ऑडियंस? बस फिर उन्होंने हाँ बोला ही नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन मैंने मन से सुन लिया, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। चलो करे अपन तैयारी। चलो देख, तो ये औरतें जब जाती है ना सीधे तरीके से कहीं जाके आती है, वो देख कहाँ छुपा दी जाए, छुपा छुप। अरे आज हम कैश लेके आए ना? नहीं आज हम क्या कैश लेके गए थे, ये तो दीदी लेके आई है, वो वाली लाइए क्या, ग्रीन वाली? हाँ हाँ मेरी फेवरेट है, छुपा छुप ग्रीन वाली दे दी। बोलो आप, बोलो टॉफी लाई हूँ उनकी तरफ करना क्या, अब बोलो। ले चल घी, और ये पीछे क्या है, ये नारियल का चूरा होता है, वो नारियल वाला चूरा। ये क्या है, ये वो कौन सी शुगर है, कौन सी शुगर, पाउडर शुगर, पाउडर शुगर। ओहो हमें भी सॉफ्ट वॉक्स लगाना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं है और बाहर एकदम बारिश हो रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है। बिल्कुल बेसन वाले बना रहे ना अपन? हाँ बेसन वाले बना रहे। इलायची क्या है, नॉर्थ नॉर्थ सूप लाए हो? सूप लाया था आपके लिए। यार सूरज तो मैं अकेले नहीं पी रही। मोदक का सांचा, वाओ ये कितना क्यूट है। पता जब इसने मुझे कहा ना कि मोदक का सांचा लेना है, तो मेरे को पता है क्या लगा? पता है मैं इसको देख देख के, मेरे को बड़ा फैंसी लगता है यार ये चीज। यार मेरे को पता है क्या लगा जी, अंदर से तो खोखला है। अच्छा यूं डालते हैं क्या, इसमें स्टफिंग होगी ना? स्टफिंग होगी ना, ये तो कितना सुंदर है, क्यूट है। इसने मेरे को बोला कि ये सांचा लेना है, मेरे को लगा इडली जैसा बड़ा सांचा आएगा, मैंने कभी देखा नहीं। बात है, मैंने कहा किसी बड़ी बर्तन की दुकान में मिलेगा, और ये छोटी सी शॉप से लिया। वेरी गुड, मिल गया ना। कालू ले मोदक खा ले, तेरे ड्रेस से मैच कर रहा है। लूटा मत करना इसमें। अच्छा ये तो गुजिया बनती है। अरे इसमें वो बनेगा मोदक का वो ही स्टेंसिल्स नहीं होते क्या? मैं क्या करता था वो है ना, सर वो होते थे ना डिजाइन में आई बना देते थे, मेरे साथ बनते थे, मैं स्टेंसिल से बना रहा था। वो स्टेंसिल क्या होता है, खुशबू किसकी आ रही इतनी प्यारी यार,
अच्छा मिठाई की रुक जा, मैं इनको स्टेप सिखाऊं कैसे बनता है। कालू एक मिठाई खिला दे, अभी खाते हैं, रुक जा। सबसे पहले स्टेप देखो मोदक बनाने का होता है। सबसे पहले क्या होता है मोदक, मोदक मतलब मिठाई, मिठाई मतलब मिठाई का डब्बा लो, खोलो, निकालो और खाओ। पहला स्टेप और खिलाओ, उसके बाद बाकी स्टेप तुम जानो। तेरे स्टेप हमें पसंद नहीं आए। हेलो गाइस, प्रसाद खा लो। आइए हमारे आज गणेश जी की पूजा का प्रसाद है, ऑडियंस को खिलाओ। ये सबसे पहला स्टेप क्या है तो बता दे। पहले स्टफिंग बना लेते हैं इसके अंदर की। स्टफिंग में क्या क्या डालेगा? स्टफिंग में ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग होगी। नुकसान हो गया। हाँ ठीक है, तोड़ दिया। हाय तोड़ दिया। इस घर में जब तक कुछ टूटता नहीं ना तब तक कुछ बनता भी नहीं है। अरे मैं इससे भी टूटा था। मैं अरे इसने तोड़ा था, एक दिन टूटा था। ये देख मैंने जोड़ दिया। तू फिक्स करना आता है क्या? हर्षवेगा मैंने जोड़ा था। हाँ तो बढ़िया, जोड़ दे। वैसे भगवान के आदमी है, चीजें तोड़ते हैं लेकिन जोड़ भी देते हैं। कूटनी है इलायची, लेकिन हमारे पास इलायची कूटने वाला नहीं है। अब ग्लास से इलायची, ग्लास से इलायची कूटी जा रही है। आपको अगर लाइफ हैक देखना तो हमारा चैनल देख लेना। इसके साथ नहीं कूटनी, इसका पाउडर बनाना है। अरे तो ये निकाल दे और वो ब्लैक ब्लैक यहाँ रख दे, फिर बना लो। पूरे का पाउडर बनाना है ना? नहीं, पूरे का पाउडर बनता है, छिलके का भी बनता है पाउडर। छिलके का पाउडर नहीं बनता कालू। अच्छा, छिलके के अंदर जो ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं ना उनका बनता है। तो ये कौन बोलेगा? अरे यार मेरे को मारो यार, मैंने पहली बार सुना है छिलके का पाउडर बन जाता है। छिलके सूखे हुए होते तो बन जाता। काजू को कट कर लूं। काजू खा के आदू आजू आजू बात रही है। कैसे मुंह पर आती गवार? दूध गिरा दे। बहुत सारा गिर गया यार, क्या करूं। हां मीकू, क्लास में ना पहले जब भी ऐसे क्लास में कोई गलती कर देता ना तो बच्चा चिल्ला देगा। नहीं वो लाइट चली जाती थी तो कहते हमारी स्टफिंग रेडी है। कितनी प्यारी दिख रही है यार। बेसन का शटअप हलवा, ये मोदक बनाते बनाते बेसन का हलवा बना रही है। मैं बैटर बनाऊंगी। बैटर बनाने के लिए मेरे पास पैन नहीं है, तो हम कढ़ाई का यूज करेंगी। क्यों? अब फिर खराब बन जाएगा तो बोलेगी को हमारे पास तो पैन नहीं था इससे खराब बन गया। हमारे पास पहले जब पहले अपनी जबान दे हमें, अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। नारियल का मिक्सी में पहले सबसे पहले तू ही पीसेगी। छोटा बोलता, फिर मैंने को बोलता कि भैया को बोलना मीडियम लेके आए। वेरी गुड वेरी गुड कालू। आ अब तो जास। ओके अच्छा, और इस पे रखेंगे। यार कालू यार तू तो यार वो आदमी है। मैं पूरा घरेलू आदमी हूँ। मैं कह रही हूँ कालू की बीवी ना बड़ी खुश रहेगी, जो भी होगी ना बड़ी खुश रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कमेंट कर दे। जो भी होगी वो कमेंट कर दे। जो भी होगी वो कमेंट कर दे कि आई लव यू। कोई कमेंट नहीं करेगा। क्या मिको जो तू पीस रही वो है क्या? वो ही कोकोनट पाउडर और क्या जिससे मोदक बनेंगे। पेस्ट बनाना है कोकोनट पाउडर का और इसका, ताकि अपन को मावे का यूज नहीं करना पड़े। खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बेसन सेकेंगे घी के अंदर। ओके गाइस, मुझे ना मिठाइयां वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे एक तो रसमलाई और एक बेसन के लड्डू और एक सोन पापड़ी। नहीं सोन पापड़ी मैं इतनी खाती, और बेसन का हलवा मुझे बचपन से इतना ज्यादा पसंद है। मतलब मैं नानी की जाती थी और हमेशा जिद करती थी, नानी मेरे को बेसन का हलवा बना के दो। अगर मिर्ची वाली वो बन रही है ना बेसन वाली मिर्ची, तो भी मुझे लगता था हलवा बन रहा है, तो मैं जाके खड़ी हो जाती थी, नानी हलवा। मुझे हलवा बहुत, क्योंकि नानी ना सेकते ना मिर्ची के लिए अपन बेसन, तो मुझे लगता था कि बेसन का हलवा। इसमें से घी नहीं निकलता ना, ऐसे सिकता रहेगा। हैं तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा यार। यार शॉर्टकट ढूंढ यार, ये कोई बात नहीं होती। ये तो तैयार है, अच्छा। अब हम बनाएंगे मोदक। ओके कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए इससे पहले ये लगा दो घी। घी लगाया इस पे तुमने मोल्ड पे? हाँ, ताकि ये उतर के आ जाए आराम से। ये डलेगा इसमें, इसमें भर दी। ओ वो भर के अभी भर दिया। हाँ, यार मैं तो वेट कर रही हूँ ऐसे खुल जाओ। रेडी। टूट गया, टूट रखा, टूट रखा। मत टूट क्यों क्यों गया। चल 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 खोल यार मिकू। क्या यार वाव, ये कितना प्रिटी है। हमने मोदक बना लिए। वाह गणपति बापा मोरिया। बन गया क्या? बन जाना ना प्लीज। वाव मेरा प्यारा सा मोदक। रुक जा ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ दिखा 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 दिखा। मेरा सुंदर सा मोदक। मैं दो मोदक बनाऊंगी सूरज भैया की फाती की। हाँ तुझे किसने बताया?
वाह मैंने भी मोदक बनाए हमारे ये मोदक का भोग लगेगा गणपति जी के करिए बताइए कैसा बना भोग लगा के हाथ जोड़ लो वेरी गुड धोक दे लो चलो गणपति बाप्पा आज हमने पहली बार मतलब ऐसे खुद से बना के किसी फेस्टिवल पे कुछ किया कैसा है नाइस यार अच्छा है बहुत अच्छा है अच्छे बने सही सच में बहुत अच्छा है मेरा वाला कौन सा है बहुत अच्छा बना यार जो मैंने बनाया था वो कौन सा है सूरज के लिए रखेंगे कल वो खाएगा नाइस ना अच्छे बने बहुत अच्छे बने यार हमें तो आज मोदक बना के बहुत मजा आया पहली बार हमने फेस्टिवल पे ऐसे खुद से कुछ बनाया वरना यूजुअली मम्मी बनाती है यार हम लोग तो सिर्फ खाते हैं लेकिन इस बार बना के ना हमें बहुत मजा आया हमें तो लगा नहीं था हम लोग बना लेंगे और हमने बना लिया और हमें बनाते वक्त भी हमने बहुत मस्ती करी और एंड आई होप कि आपको मस्ती देख के बहुत मजा आया होगा और गाइज आज का लोग यहीं एंड करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना मिलते हैं कल बाय।